सभी लोगों ने लॉगिन कर लिया है ना? यस मैम। अब एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम क्या है आपका? मोटिवेशन। हम लोग मोटिवेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है? मोटिवेशन की यूनिट कौन सी है? यूनिट मोटिवेशन के बारे में मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में भी और वैसे भी बहुत सारी चीजें बता दी थी। अब मोटिवेशन के बारे में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ये टॉपिक जो है इस टॉपिक के लिए याद रखिएगा, ये टॉपिक सेमेस्टर्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिंग टू इट, कल को आपको कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जामिनेशन देने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं इस टॉपिक में से कोई ना कोई क्वेश्चन कभी ना कभी आपसे जरूर पूछा जाता है। कोई भी शायद ही ऐसा कॉम्पिटिशन के लेवल का एग्जाम होगा जिसमें अगर बेसिक जीके आता है या बेसिक कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये इसमें से आता है। खासतौर पर अगर आप एमबीए करने के लिए जाएंगे तो कैट बेट के एंट्रेंस के जो एग्जाम होते हैं उसमें ये मोटिवेशन नाम का टॉपिक जरूर आता है। ये जनरल टॉपिक है और इसमें से जो मैं अभी आपको थ्योरी पढ़ाने वाली हूँ किस तरीके से एग्जाम में कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ये भी मैं भी आपको, ठीक है? मोटिवेशन के टॉपिक पर इसका नाम है देखिए सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है मास्टर ऑफ हायरार्की थ्योरी। अगर आप इसके नोट्स की फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे तो वहां भी क्या लिखा हुआ है कि एब्राहम मास्लो, यानी कि किसी का नाम रवि शर्मा है तो शर्मा चुंबरी लगा दिया उसने। इसी प्रकार इसे अपने नाम पे रख दिया मास्लो ऑफ हायरार्की थ्योरी। तो नाम से हमें पता चलेगा कि मास्लो क्या होता है। उसके बाद हम अभी पढ़ेंगे कि हायरार्की क्या होता है। आप उसे कोई जानता है कि हायरार्की क्या होता है? मैंने आपको जब फर्स्ट टाइम पढ़ाया था तो शायद बताया कि हायरार्की क्या होता है। आप लोगों को पता है हायरार्की क्या होता है? हेलो मैम, डिफरेंट लेवल्स किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो सही कहा, बिल्कुल सही कहा। हायरार्की का मतलब होता है लेवल्स। लेवल्स का मतलब होता है पोस्ट। हिंदी में कहते हैं पद, हिंदी में कहते हैं पद, यानी कि आप एक कंपनी में एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल्स पर काम करते हैं। यानी कि हायरार्की का मतलब होता है जूनियर से लेकर सीनियर, मतलब कि लो लेवल मैनेजमेंट होता है सबसे नीचे आपका। लो लेवल मैनेजमेंट के बाद आपको आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जिसमें आपको पहले बता दिया था ना, और उसके बाद आपको आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है? तो ये आप किस लेवल पर काम करते हैं, किस लेवल पर काम करते हैं या किस लेवल पर काम करते हैं, आप किसी भी लेवल पर काम करते हैं तो ये क्या है आपकी ग्रेड, यानी कि ये है आपकी किसी भी कंपनी में काम करने के लेवल्स, यानी कि काम करने के पोस्ट। अब हम अगर इस लेवल इस थ्योरी की बात करते हैं तो क्या कह रहा है मास्टर ऑफ हायरार्की थ्योरी, यानी कि मास्टर ऑफ व्यक्ति का नाम है हायरार्की, यानी इसमें हायरार्की की बात की है और थ्योरी मतलब कोई ना कोई थ्योरी बता रहा है। अब ये इस समय ये आपको बता रहा है कि ये जो हायरार्की किसी भी चीज की हो सकती है। हायरार्की आपके ऑर्गेनाइजेशन की भी हो सकती है, जहाँ पे आप नौकरी करते हो। हायरार्की आपकी लाइफ की भी हो सकती है, परिवार में आप कौन से नंबर पे आते हो। हायरार्की किसी भी चीज की हो सकती है, परिवार के अलावा हायरार्की आपकी नीड्स की भी हो सकती है। नीड्स का मतलब होता है जरूरतें। जरूरतें का मतलब क्या होता है? इंसान की इस पूरी जिंदगी में। हाँ बेटा। मैम आरन श्रीवास्तव बोल रहे हैं, ये अपने जूम मीटिंग में एक वन प्लस नाम का शख्स है, ये अक्सर उल्टा सीधा मैसेज भेजता रहता है लोगों को, आई रिक्वेस्ट यू टू रिमूव हिम। एक्चुअली आरन ये ना वीडियो बन रहा है इसका, ठीक है ना? मैं इसमें वीडियो बना रही हूँ अपना। हाँ है ये मैम, उल्टा सीधा मैसेजेस भेजता है लड़कों और लड़कियों को कई सारे, तो इसे रिमूव कर दिया हर बार ये। यस मैम, थैंक यू मैम। अभी ये वीडियो बन रहा है, ठीक है? अब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं हायरार्की की। हायरार्की लाइफ में किसी भी चीज की हो सकती है, हायरार्की किसी कंपनी की हो सकती है, ये मैंने आपको कंपनी की तरफ बताई। हायरार्की हमारी लाइफ की हो सकती है, हम अपने परिवार में
कौन से लेवल पर आते हैं, सबसे ऊंचे लेवल पर आते हैं, सबसे नीचे लेवल पर आते हैं, मतलब की एज फैक्टर के हिसाब से किसी भी चीज की हो सकती है। लेकिन हम और आप जो हमारे सिलेबस का टॉपिक है, हम और आप पढ़ेंगे हायरार्की जो है नीड्स, नीड्स को हिंदी में कहते हैं जरूरतें। तो इस थ्योरी के माध्यम से हम और आप ये पढ़ेंगे कि एक इंसान की जिंदगी में, एक इंसान की जिंदगी में कितनी जरूरतें होती हैं और वो इंसान उन जरूरतों को कैसे पूरा करता है। एडिंग टू इट, वो इंसान एक नीड पूरी होने पर कौन सी दूसरी नीड फॉलो करता है, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, यानी कि एक इंसान कैसे कैसे और कौन कौन सी नीड्स को अपनी लाइफ में पूरा करता है। तो मैस्लो ने एक इंसान की जरूरतें, एक इंसान की बेसिक जरूरत से लेकर लग्जूरियस जरूरतें जो होती है, बेसिक मतलब रोटी कपड़ा मकान से लेकर लाइफ मतलब बिल्कुल मिलेनियर मिलेनियर की जिंदगी तक की एक लाइफ होती है इंसान की, उस पूरी नीड्स को एक थ्योरी के माध्यम से आपको यहाँ पर बताया। ये थ्योरी हमेशा हमारी पिरामिड के फॉर्म में चलती है। आप देखिएगा वहां पर आपके पास नोट्स जो हमने आपको सेंड किए हुए हैं, उस नोट्स के नीचे पिरामिड बना हुआ है। कितना सर लोगों को पिरामिड बोर्ड पर भी दिख रहा होगा, प्लस आपके नोट्स में भी मैंने पिरामिड बनाकर दिया होगा। अब इसको आप देखेंगे तो ये पांच भागों का बटा हुआ है, तीन चार और एक और ठीक है। आप देखेंगे आपका जो पिरामिड आपके नोट्स में दे रखा है वो पांच पार्ट्स के अंदर बटा हुआ है। सबसे नीचे की अगर हमारा बात करते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है फिजिकल, लॉजिकल, सबसे नीचे की अगर हमारा बात करते हैं सबसे नीचे दे रखा है आपका फिजियोलॉजिकल नीड, उसके ऊपर हमारी दे रखी है सेफ्टी नीड्स, ठीक है, उसके ऊपर आपसे दे रखी है बिलोंगिंगनेस एंड लव, उसके ऊपर आपकी रखी है एस्टीम नीड्स, और लास्ट पर रखा है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब हम बात करते हैं इन नीड्स, सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा इसकी आपको नंबरिंग बताते हैं। भले ही हम और आप अपने नॉर्मल पिरामिड की बात करते हैं तो इसको वन कंसिडर करेंगे, नहीं, इस नीड की स्टार्टिंग हमेशा नीचे से होगी, यानी कि ये वन नंबर है, ये टू नंबर है, ये थ्री नंबर है, ये फोर नंबर है और ये फाइव है। यानी कि एक इंसान जब जवान हो जाता है या जब जिम्मेवारी का बोझ अपने सर पर उठाने के लायक हो जाता है, ये जरूरतें तब से शुरू होती है जब एक इंसान अपनी जिंदगी में जिम्मेवारी का बोझ लायक हो जाता है, तो ये जरूरतें आपकी तब से शुरू होती है। अब सबसे पहले हम यहाँ से बात करते हैं, अगर नंबरिंग को फॉलो करें एक दो तीन चार पांच, यानी कि हम यहाँ से शुरू करकर अपनी जर्नी को यहाँ पे खत्म करें, अगर आपने ऐसे लिया वन टू थ्री फोर फाइव मामला बन गया, हमेशा ऐसे चलेगा वन टू थ्री फोर फाइव, और इसका मतलब ये है कि आप ये जो है सबसे नीचे रखा हुआ जिसकी हाँ और आप यहाँ पे नाम लिखते हैं वन, कहने का मतलब है फिजियोलॉजिकल नीड, डब्बा नंबर पांच नहीं लिखते और वहां पे लिखते वन, तो ऐसा भी नहीं चलेगा, ये सबसे नीचे थी तो सबसे नीचे ही रहेगी और इसका नाम वन नंबर पर जाता है तो ये वन नंबर पर ही जाता है, इसकी शुरुआत नीचे से भी होती है, ये हमेशा ऐसे बनेगी, ठीक है, ये हमेशा नीड कैसे जाती है, नीड हमेशा नीचे से high level
हाई लेवल नहीं है. इंसान की बहुत सारी चीज होती है, जरूरत होती है जो स्टार्ट होती है कहाँ से, लो लेवल से लेके हाई लेवल लीडिंग तक, छोटी कम जरूरतों से लेके बहुत बड़ी बड़ी जरूरत तक. ये जो जरूरत होती है इनको जरूरत को, इन सारी जरूरतों को हमने दो नाम दिए. एक दिया है हमारी प्राइमरी नीड्स और दूसरा नाम हमने क्या दिया है हमारी सेकेंडरी नीड्स. प्राइमरी नीड्स को हमारा बेसिक नीड्स भी कहेंगे, यानी कि जो जरूरतें हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है. और सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, जब हमारी बेसिक जरूरतें पूरी हो जाती है इसके बाद हमारा और नीड्स हो जाती है, जिस नीड का नाम आपका क्या होता है सेकेंडरी नीड. अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि क्या लिखा है. मैस्लो ने एक इंसान की जिंदगी की जरूरतों को इस पिरामिड के फॉर्म में बनाया है. ये क्या है आपका पिरामिड की जरूरत, ठीक है. मैस्लो ने एक इंसान की जरूरतों को एक पिरामिड के फॉर्म में बनाया. तो कहता है एक इंसान की जितनी भी जरूरतें होती है वो इस पिरामिड के अंदर पूरी पूरी है. अभी मैं एक एक करके आपको सारी जरूरतों के बारे में बताऊंगी कि कौन कौन सी जरूरत इंसान की कौन कौन से लेवल पर होती है. यानी कि पूरा पूरा जिसको हम अपने जब ट्रायंगल बुला रहे थे इसको हम क्या बोलेंगे पिरामिड. अब पिरामिड के अंदर इंसान की पूरी जिंदगी की जरूरतें दी हुई है, जिसका नाम हमने जो रखा हुआ है प्राइमरी और सेकेंडरी नीड. अब इन पांचों में कुछ नीड्स तो प्राइमरी नीड्स है और इन पांचों में कुछ नीड्स हमारी सेकेंडरी नीड्स है. यानी कि इन पांचों में कुछ को हम प्राइमरी के रूप में डालेंगे और कुछ नीड्स को हम सेकेंडरी नीड्स के अंदर डालेंगे. जो चीजें हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसको हमारा प्राइमरी कोटे में डालेंगे और जो प्राइमरी पूरी होने के बाद हमें जरूरत पिछली चाहिए उनको हमारा सेकेंडरी कोटे में डालेंगे. तो हम शुरू करते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स आपकी क्या होती है. एक चीज और सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम ध्यान रखती है कि एक इंसान अपनी जिंदगी की जरूरतें यहीं से शुरू करता है, नंबर वन से शुरू करता है. जब उसकी नंबर वन की नीड पूरी हो जाती है उसके बाद तो नंबर टू के ऊपर जाता है. जब नंबर टू की पूरी हो जाएगी जब नंबर थ्री पे जाएगा, जब नंबर थ्री पूरी हो जाएगी तब नंबर फोर पे जाएगा और उसके बाद आखिरी में नंबर फाइव. कभी भी शुरुआत बीच में से या आगे पीछे करके वो नहीं करेगा. अभी आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला. एक इंसान जब जिम्मेवारी का बोझ अपने लाइफ में हो जाता है तो सबसे पहले अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स का पता करें. फिजियोलॉजिकल नीड्स का मतलब क्या होता है, फिजियोलॉजिकल नीड्स आपकी होती है प्राइमरी. एक इंसान की प्राइमरी नीड्स जिंदगी में क्या हो सकती है बताइए. बचपन से सुनते आ रहे हैं हम लोग इंसान को जीवन जीने के लिए ये तीन चीजों की जरूरत होती है. सबसे पहले ये पहुंच सकते हैं फिजियोलॉजिकल नीड आपकी होती है फूड, खाना, कपड़ा, रोटी और मकान. मैम खाना कपड़े रोटी शेल्टर. इंसान को तीन चीजों की जरूरत होती है फूड शेल्टर और क्लोथिंग. यानी अब देखिए वहां पर लिखा है फिजियोलॉजिकल नीड्स आर बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स फॉर ह्यूमन सर्वाइवल. एक इंसान को जिंदगी जीने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है वो चीजें होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स. यहाँ पर आगे बैठा करके एक बात कर रहे अक्सर बच्चे एक शब्द में कंफ्यूज आते हैं जिस शब्द का नाम है साइकोलॉजिकल. हमारा अक्सर कंफ्यूज होते हैं दो चीज के अंदर कि फिजियोलॉजिकल क्या होता है और साइकोलॉजिकल क्या होता है. तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं फिजियोलॉजिकल मतलब शारीरिक और साइकोलॉजिकल मतलब मानसिक, मतलब कि मेंटल. तो इस पूरे पिरामिड में इसकी कोई भी जरूरत नहीं है. हमारा इसकी जरूरत से बात करेंगे इसकी जरूरत. तो पहला पॉइंट जिंदगी में इंसान को क्या चाहिए, सबसे पहले जब इंसान जिंदगी का बोझ उठाने लायक हो जाता है तो वो फिजियोलॉजिकल करता है. फिजियोलॉजिकल सबसे पहले रोटी, उसके बाद कपड़ा और उसके बाद मकान. जब एक इंसान को ये लगने लगता है कि हाँ मेरी ये तीनों जरूरतें पूरी हो गई, मेरे पास भरपूर खाने के लिए पेट भरने के लिए रोटी है, कपड़े के पहनने के लिए तन पे कपड़ा है और मेरे सर पे छत है, उसके बाद इंसान अपनी सेफ्टी नीड्स की ओर अग्रसर होगा. अब हम सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स की डिटेल क्या है वहां पर पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है. सेकंड पॉइंट क्या कहता है, फिजियोलॉजिकल नीड्स डील विद द मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी. ये तीनों चीजें किसी से नहीं है, ये तीनों चीजें हमें चाहिए ह्यूमन बॉडी, इंसान को चाहिए, इंसान के शरीर को चाहिए. और अगर ये तीनों नहीं होती है, इन तीनों में से कुछ भी एक चीज हमारे पास उपलब्ध नहीं होती तो हमारी बॉडी का मेंटेनेंस कभी भी नहीं हो सकता. क्योंकि हमारा शरीर ना तो खाने के बिना जी सकता है,
हमारा शरीर ना तो कपड़ों के बिना जी सकता है, ठंड गर्मी सबके इंसान को अलग अलग तरीके के कपड़े चाहिए, और हमारा शरीर बिना सिर के छत हुए बिना घर बिना मकान के भी जी नहीं सकता। यानी कि एक इंसान सबसे पहले अपनी ह्यूमन बॉडी की मेंटेनेंस के लिए अपनी प्राइमरी नीड्स को पूरा करने की कोशिश करता है। को ये लगता है कि ये सारी प्राइमरी नीड्स वैस्टॉक को लगता है ये सारी प्राइमरी नीड्स है, जब तक एक इंसान की जरूरत पूरी नहीं हो जाती तब तक वैस्टॉक कहता है कि हम दूसरी नीड के ऊपर पहुंचते या बढ़ते नहीं। अब इफ वी नीड वाटर देन लिटिल एज मैटर अंटिल वी हैव समथिंग टू ड्रिंक। एक उसने एग्जांपल दिया है, ये तीन चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर इसमें भी कहते हैं, मान लें पानी के हम ड्रिंक की बात करें, एक इंसान को ड्रिंक की जरूरत है, ड्रिंक के लिए उसको कौन सी चीज चाहिए, पानी। अब चाहे आप उसे दुनिया की महंगे से महंगी हार्ड ड्रिंक दे दो, दुनिया की महंगे से महंगी सॉफ्ट ड्रिंक दे दो, जो प्यास उसकी पानी से बुझने के लिए होगी, क्या मैं दूसरी कोई और ड्रिंक उसको दे दूं तो उसकी वो प्यास बुझेगी? द आंसर इज नो। इंसान को मैं कोई अच्छे से अच्छी महंगे से महंगी हार्ड ड्रिंक महंगे से महंगी सॉफ्ट ड्रिंक दे दूं, लेकिन जो प्यास उसकी वाटर से बुझेगी वो किसी और से नहीं बुझेगी। इसीलिए एक इंसान को अब ये जो बाकी की ड्रिंक होगी हार्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक तो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड नहीं है। फिजियोलॉजिकल नीड का मतलब क्या है, हमारी बेसिक नीड नहीं है, हमारी बेसिक नीड फूड में पानी की है। इंसान को पानी ना तो कोल्ड ड्रिंक दे दो जी लेगा नहीं, लेकिन इंसान को कोल्ड ड्रिंक ना तो पानी तो जी लेगा बिल्कुल जी लेगा। तो एक इंसान सबसे पहले जब हाथ निर्भर करता है तो फूड शेल्टर क्लोरिंग यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने की कोशिश करता है। जब उसके पास भरपूर मात्रा में फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती है उसको ये लगता है कि हाँ मेरे पास पेट भरने के लिए रोटी है, पहनने के लिए कपड़ा है और सर ढकने के लिए छत है। उसके बाद वो दूसरी नीड के ऊपर होता है जिस नीड का नाम आपका क्या है, सेफ्टी नीड। अब सवाल आता है कि सेफ्टी नीड क्या होती है, हिंदी में सेफ्टी को हम क्या कहते हैं, सुरक्षा। अगर सुरक्षा किस चीज की, अपनी जान की। यहाँ पर हम सुरक्षा किस चीज की करेंगे, अपनी लाइफ की। सुरक्षा किस चीज की करेंगे, अपनी प्रॉपर्टी। सुरक्षा किस चीज की हमारे प्रॉपर्टी का मतलब जो छोटा मोटा हमारे पास ये शेल्टर है या नौकरी है या कुछ छोटी छोटी चीज है। सुरक्षा किस चीज की होनी चाहिए, अपनी जॉब। ठीक है, छोटी छोटी जरूरत है, अगर मैं नौकरी करता हूँ मेरे को ये डर रहेगा कि मेरी नौकरी ना चली जाए। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब मान लीजिए मेरे पास सर ढकने के लिए एक ही कमरे का मकान, तो मेरे पास प्रॉपर्टी नाम का शेल्टर तो है, कहीं मेरा शेल्टर ना चली जाए। उसके बाद अपनी लाइफ, लाइफ की सुरक्षा मैं किससे करूंगी, अपनी सराउंडिंग से, अपने एनवायरमेंट के फैक्टर्स से, उन चीजों से जो शायद मेरी जिंदगी को हानि या क्षति पहुंचा सकते हैं। रोटी कपड़ा मकान हो गया, अब मुझे किस चीज की जरूरत है, सुरक्षा। सुरक्षा किसकी, जान की, माल की, नौकरी की। आगे देखते हैं आगे क्या क्या है, जिस समाज में मैं रहता हूँ,
जिन लोगों के जिन लोगों के बीच में मैं साधू उन लोगों के साथ मैं और आप क्या करें अपने रिश्ते मेंटेन करें। जो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मैन इज अ सोशल एनिमल, आदमी एक सामाजिक प्राणी कह लेते हैं, वैसे तो जानवर वाली बात है, मैन इज अ सोशल एनिमल। तो क्या कह रहा है, आदमी एक सामाजिक जानवर है या आदमी एक सामाजिक प्राणी है। तो ये कह रहा है कि इंसान जो है वो अकेला नहीं रह सकता। इंसान और जानवर दो ऐसी जाति प्रजाति इस दुनिया में है जिसे अपने साथ किसी ना किसी बनने की जरूरत जीवन यापन करने के लिए पड़ती है। तो जब हमारे रोटी कपड़ा मकान की जान माल प्रॉपर्टी की सुरक्षा हो जाती है, अब हम अपने समाज में नहीं करते किस चीज के लिए, प्यार पाने ऐसी चीजों के लिए जिससे मैं कहूँ ये मेरा। यहाँ पर हम परिवार के लोगों के सदस्य की बात नहीं करें क्योंकि परिवार के लोगों के साथ सदस्य आप रिश्ते आप खुद नहीं बना, परिवार के लोगों के साथ रिश्ते आपको ईश्वर ने बनाकर यहाँ पर भी। जब आप इन दो नीड्स को नीचे वाले पूरी कर लेते हैं तब हम नीड नंबर तीन के ऊपर जाते हैं, हम समाज में निकलते हैं अपने दोस्त बनाते हैं। सब कुछ है मेरे पास, अच्छा कमा लेता हूँ, अच्छा खाता भी हूँ, पहनता भी हूँ, नौकरी भी है, घर भी है, ठीक है, और जिंदगी की सुरक्षा भी मेरे पास अच्छी तरीके से है, थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस भी है, अब मुझे प्यार चाहिए। अब प्यार से संबंधित यहाँ पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या अपने लाइफ पार्टनर से नहीं होता। प्यार से मतलब ये होता है कि हमें और आपको कोई ऐसा अपनी लाइफ में चाहिए जिसको हम अपना फ्रेंड भी कह सकते हैं, मतलब जिससे हम सामाजिक रिश्ता बना सकते हैं। जैसे अपना फ्रेंड हो गया, क्लासमेट बैचमेट हो गया, कलीग हो गया, ऑफिस में आप काम करते हैं जिसके साथ आते हैं जाते हैं, खाते हैं पीते हैं उठते हैं बैठते हैं, ऐसे लोगों के साथ आप दोस्ती करते हैं। क्लास में आप अकेले तो कर नहीं सकते, दोस्ती करते नहीं करते अपने अनुभव वाले से, क्यों, क्योंकि अब आपकी बिलोंगिंगनेस और लव लव का बिलोंगिंगनेस मिलकर आपको अपनी सामाजिक नीड को पूरा करना है। सामाजिक नीड क्या कहती है, कोई भी इंसान अकेला को नहीं मिल सकता। अगर एक इंसान को हम ये कह सकते हैं कि लव ना मिले तो इंसान लोनलीनेस फील करता है, अकेलापन महसूस करता है, और हालत इतनी ज्यादा हो जाती है लोनलीनेस की जिन लोगों को कंपनी भी मिलती साथ में रहने के लिए, वो लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम उस लेवल की बात करते हैं, उस छोटे वाले पिरामिड की बात करते हैं, तो लो लेवल मैनेजमेंट में अक्सर हमने इसमें रखिए, हम पहले अपनी जरूरत पूरी करते हैं, फिर हम अपनी जरूरत पूरी करते हैं, उसके बाद हम अपनी ये वाली जरूरत पूरी करते हैं। ये वाली जरूरत अगर हमारी पूरी हो गई, रोटी कपड़ा मकान मिल गया, जान माल की सुरक्षा मिल गई, संगी साथी मिल गए, या दोस्त मिल गया, लाइफ पार्टनर मिल गया, फैमिली को ऑलरेडी हमें भगवान जी पूरी दे गया, अब हमें क्या चाहिए, एस्टीम। एस्टीम को हिंदी में कहते हैं मान मर्यादा प्रतिष्ठा, और इंग्लिश में कहते हैं स्टेटस। अब हमें समाज में क्या चाहिए, अब हमें समाज में सब कुछ मेरे पास है, अब मुझे समाज में स्टेटस चाहिए, यानी कि मुझे अपना समाज में रुतबा चाहिए। रुतबा ऐसा चाहिए कि लोग मुझे जाने कि मैं कौन हूँ, ठीक है। सोशल मीडिया क्या करती है, ये आपकी फोर्थ लेवल की नीड होती है इस पूरे पिरामिड के अंदर। ये क्या कहता है, जब आपकी ये सारी नीड पूरी हो जाती है तब आप अपनी एस्टीम नीड पूरी करते हैं। अब बात सवाल आता है कि एस्टीम नीड में क्या आता है, आपकी बेसिक नीड नहीं है मगर लग्जरी। जो चीज ध्यान से समझ लीजिए, आपकी नीड नहीं है, आपकी क्या है, लग्जरी। उदाहरण के तौर पर अगर आपका चार लोगों का परिवार है, उसमें सी बातों में कहना ट्रैवल टू बाइक, चार लोग बाइक की बड़ी मुश्किल से हस्बैंड वाइफ का कंपटीशन कंप्लीट ना हो, आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग सोचते हैं कि हम एक कार खरीदे। आपने उदाहरण के तौर पर मारुति 800 खरीदी, आप मारुति 800 से चल रहे, तो मारुति 800 आपके एस्टीम जिनको एकदम स्टेटस के लिए नहीं है, तो आपने अपनी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए। अब वो अलग बात है कि आपकी यहाँ पर आपके स्टेटस के हिसाब से मिली है 4,000 नॉर्मल सी सस्ती सुंदर टिकाऊ कार भी थी। यहाँ पर क्या कुछ लोग क्या कहेंगे, जरूरत है दो लोगों की, चार लोगों की, मारुति 800 से कौन चलेगा, हम तो एस्टीम से चलेंगे, एस्टीम कार भी आती है, हम तो बेलोनो से चलेंगे, हम तो सिर्फ डिजायर से चलेंगे, मारुति कौन यूज करता है, ऑटो कौन यूज करता है। ये क्या है, आपने अपनी जरूरत, यहाँ पर तो उस चीज की जरूरत नहीं, यहाँ उस चीज की जरूरत नहीं है, यहाँ आपने अपना ईगो
स्टेटस अपना अहम सेटिस्फाई करने के लिए अपनी बेसिक नीड को लग्जूरियस नीड में बनाते हैं ठीक है आपने अपनी बेसिक नीड को किस तरह बना दिया लग्जूरियस क्यों क्योंकि आप गेन करना चाहते हैं आप हासिल करना चाहते हैं क्या हासिल करना चाहते हैं आप रिकॉग्निशन आप समाज में एक पहचान बनाना चाहते हैं आप समाज में अपनी क्या बनाना चाहते हैं स्टेटस बनाना चाहते हैं कहीं ना कहीं ये सब आप लोग कर रहे हैं अपने ईगो को अपने ईगो को क्या करने के लिए अपने ईगो को अपने अहम को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है नेक्स्ट आप उसके बाद कहता है कि जो भी आपको एस्टिमेट पूरी हो जाती है उसके बाद आप अपनी लास्ट नीड के ऊपर जाते हो जिस नीड का नाम आपका क्या होता है एक्चुअलाइजेशन नीड अब आपके नोट्स में मेंशन नहीं है लेकिन आपको बताती हूँ कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या होती है और ये शब्द का मतलब क्या है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो ये शब्द है ये नोट्स में नहीं है एक व्यक्ति ने दिया था जिसका नाम था आपका कर्ट ड्यूइंग एक व्यक्ति ने दिया था ये नाम कर्ट ड्यूइंग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का मतलब क्या होता है एक तरीके से समझ लीजिए हम जो गरीब आदमी होता है वो ये दो नीड पूरी कर जाता है आपकी वन और टू हमारे आपके जैसा इंसान वन टू और थ्री नीड पूरी कर लेता है और हम ही जैसे कुछ लोग होते हैं जो हमारी फोर नीड पूरी करते हैं लेकिन जिस प्रकार की जिंदगी आप लोग हम जी रहे हैं उनकी जिंदगी जरूरत समझदार होते हैं तब से लेकर अपने परिवार को एसटी नीड तक पहुंचाने के लिए खत्म कर देते दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को पूरा कर पाते हैं दुनिया की हर इंसान की इच्छा होती है कि मैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को भी पूरा करूं लेकिन बहुत कम हजारों में एक कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को पूरा कर पाए बात आती है कि असल में इस नीड में होता क्या है आपकी जानकारी के लिए बताती हूँ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का मतलब होता है आपका मिलेनियर और बिलेनियर की जिंदगी यानी कि करोड़पति लोगों की जिंदगी ऐसे लोगों की जिंदगी जिन्हें बच्चा बच्चा जानता है जिन्हें शहर का बच्चा बच्चा जानता है अगर हम अपनी सिटी की बात करते हैं तो हरिप्रसाद गोपीचंद सराफ को है तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में आते क्यों क्योंकि वो लोग हाई फाई लेवल की सोसाइटी के लोगों में आते हैं लेकिन आपकी और हमारी बात करते हैं तो हम एसटी नीड की बात करते हैं यहाँ पर अगर नीड की बात करेंगे तो उन्हें जरूरत नहीं है घर में तो भी अपनी उदाहरण के तौर पर लेकिन सोचेंगे क्या मर्सिडीज में चले लेकिन सोचेंगे क्या सोचेंगे ये कि हमारा मर्सिडीज में चले ठीक है तो आगे क्या कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को हमने और नीड ने ये हमें किया था कि मैस्लो की नीड की बहुत पावरफुल नीड होती है और अगर इस नीड के बारे में इंपॉर्टेंट लाइन बताऊं तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिसके टैलेंट सबके अंदर होता है लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने टैलेंट को एक्सप्लॉइट करते हैं एक्सप्लॉइट शोषण करना करते हैं लेकिन नेगेटिव नहीं पॉजिटिव वे में और वो मुकाम हासिल करते हैं जो हर आदमी मुकाम हासिल करना चाहता है लेकिन हर कोई हासिल नहीं कर पाता क्योंकि जिम्मेवारियों के तले दब जाता है अब नॉर्मल आदमी जो होगा वो अपनी बाकी की चार नीड को पूरा करेगा और ये सोचेगा कि मैं अपने परिवार को टाइम दे दूं लेकिन ये क्या करेगा परिवार नहीं ये सोचेगा परिवार छोड़ो मैं पैसा कमाऊं तो इस तरीके के जो लोग होते हैं वो अपने सेल्फ एक्सप्लोरेशन नीड के अंदर आते हैं तो वहां देखिए क्या लिखा हुआ है सेल्फ एक्सप्लोरेशन नीड इंक्लूड्स एजुकेशन अब एजुकेटेड होना बहुत अच्छी बात है लेकिन ओवर एजुकेटेड होना ओवर एजुकेटेड का मतलब क्या है जो आपके लिए अफोर्डेबल नहीं है या आउट ऑफ द वे जाके अगर आप कोई एजुकेशन हासिल कर रहे हैं जो शायद नॉर्मल आदमी के लिए नहीं है तो आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन नीड के अंदर आते हैं ठीक है आप में आप एक बहुत अच्छे एथलीट बनते हैं मिल्खा सिंह की बात कर लेते हैं घर पर मिल्खा सिंह तो नहीं बन पाता अगर आप मिल्खा सिंह बन गए एज एन एथलीट तो इसका मतलब आप लोग सेल्फ एक्सप्लोरेशन आप कुकिंग बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं आपको पता है लाखों लाखों की सैलरी कुक्स की होती है जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े फाइव स्टार सिक्स स्टार होटल्स में जॉब करते हैं शेफ्स उनकी लाखों की सैलरी होती है तो इसका मतलब क्या होता है वो लोग जिस मुकाम पर पहुंचना चाहते थे वो लोग उस मुकाम पर पहुंच गए यानी कि आप और हम अपनी सेल्फ एक्सप्लोरेशन पूरा नहीं कर पाए लेकिन उन लोगों ने अपनी सेल्फ एक्सप्लोरेशन पूरा कर लिया अब देखिए थर्ड पॉइंट वहां पे लिखा है 1% ये स्ट्राइव टू बिकम द बेस्ट पेरेंट आप और मैं हमारे और आपकी जिंदगी में हमारे मम्मी पापा या हम अगर मैं अपनी बात करूँ तो हम लोग ये सोचते हैं कि हम अपने परिवार के लिए बच्चे के लिए अच्छे पेरेंट बन जाए या अच्छे पेरेंट्स हम बन जाए लेकिन ये लोग क्या करते हैं ये लोगों को पेरेंट इतना अच्छा बने ना बने लेकिन हम या हम सोचते हैं कि अच्छे पेरेंट्स बन जाए
या अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स बन जाए किसी के, या हम अपनी फैमिली में चाहे हम सन इन लॉ है, सन है, डॉटर है, डॉटर इन लॉ है, जो भी हमारा रिश्ता है, हम अपने रिश्ते को अच्छी तरीके से निभाएं। लेकिन ये लोग रिश्ता निभे ना निभे, लेकिन जो इनका सपना है उसको ये जरूर पाने की कोशिश करते हैं, यानी कि ये लोग अपनी सेल्फ एक्सप्रेशन करते हैं। और बाकी लोग क्या होते हैं, ये लोग मतलब हम लोग को नॉर्मल लाइफ में बेस्ट करना चाहते हैं, ये लोग फेमस बनके चीजों को, सपनों को, ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हैं। जैसे कहते हैं ना, सपने सब देखते हैं लेकिन कुछ ही लोगों के सपने पूरे हो पाते हैं। तो ऐसे समझ लीजिए कि नॉर्मल आदमी सपना तो देखता है, लेकिन नॉर्मल आदमी बिल्डर बनने का सपना, अंबानी बनने का सपना तो देखेगा, लेकिन हर आदमी अंबानी बिल्डर टाटा नहीं बन सकता। जो बन गया उसका मतलब पूरा कर रहा है। एक इंसान की पर्सनल ग्रोथ के लिए, बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है? हम क्लास एंड कर रहे हैं, ठीक है? हम क्लास एंड कर रहे हैं और अभी मैं दोबारा से लॉग इन करूंगी, जिसकी अटेंडेंस नहीं रही है उनसे बता। किसी की रही अटेंडेंस? किसी बच्चे की अटेंडेंस छूटी है? यस मैम, सौरभ F46। ठीक है, और कोई? मैम F45। और कोई बच्चे सौरभ और F45 के अलावा? मैम मैम F45 हो गया। आपको मैस्लॉक की थ्योरी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है? आई होप सबको मैस्लॉक की थ्योरी समझ में आ गई होगी, ठीक है? आई होप सबको मैस्लॉक की थ्योरी समझ में आ गई होगी। कोई भी प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को, किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो डू लेट मी नो, ठीक है? एक बार रिवीजन देख लेते हैं इस थ्योरी का, ये थ्योरी क्या कहना चाहती है। अब मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है, सबसे पहले हम लेवल नंबर 5 की नीड पूरी करेंगे या लेवल नंबर 1 की नीड को पूरा करेंगे? हम ऐसे चलेंगे या हम ऐसे चलेंगे अपनी लाइफ में? हम ऐसे चलेंगे या अपनी लाइफ में ऐसे चलेंगे, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे? नीचे से ऊपर। वेरी गुड। तो गलती ये नहीं करना होगा हमें एग्जाम में, हमेशा हम और आप नीचे से ऊपर जाएंगे। फिजियोलॉजिकल नीड से लेके हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड तक जाएंगे। फिजियोलॉजिकल को मार्क दिस थिंग इन योर माइंड, मेकअप दिस थिंग इन योर माइंड कि फिजियोलॉजिकल नीड्स को हमें बेसिक सबसे नीचे रखना है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को हमें सबसे ऊपर रखना है। यानी कि हम और आप टॉप टू बॉटम नहीं, बॉटम टू टॉप करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात, हम इसमें कभी भी सीक्वेंस को ब्रेकअप नहीं करेंगे। हम सबसे पहले अपनी फिजियोलॉजिकल को पूरा करेंगे। तो रोटी कपड़ा मकान के बाद कोई ये नहीं चाहेगा कि समाज में मेरी मान मर्यादा प्रतिष्ठा हो जाए। ना नौकरी है, ठीक है, ना नौकरी है, ना प्रॉपर्टी है, ना नौकरी है, ना प्रॉपर्टी है, कभी भी कोई भी आके मार देगा, या लाइफ की कोई आपके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है आपकी, तो क्या आप अपनी मान मर्यादा प्रतिष्ठा खोजेंगे? नहीं। आप कोई भी लेवल ऑफ नीड को स्किप अप नहीं करेंगे, लेकिन आप एक समय में एक साथ दो नीड्स को पूरा कर सकते हैं, लेकिन कोई भी लेवल ऑफ नीड को आप स्किप अप नहीं करेंगे। सारे लेवल ऑफ नीड्स को आपको वन बाय वन फुलफिल करना पड़ेगा। आप लास्ट में सेल्फ एक्चुलाइजेशन करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि लास्ट में ही सेल्फ एक्चुलाइजेशन नीड आपकी फुलफिल होगी। कोई भी नीड को हम ब्रेकअप नहीं करेंगे, कोई भी नीड को हम और आप सीक्वेंस में आगे पीछे नहीं करेंगे कि पता चला पहले वन नीड पूरी कर ली, उसके बाद थ्री करते फिर टू करेंगे। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। हम वन करेंगे, फिर टू करेंगे, फिर थ्री, फिर फोर और फिर फाइव। अगर हम चाहें तो वन के साथ टू, दो चीज को साथ में लेके चल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वन के साथ हम थ्री को लेके चल रहे हैं और टू को हम बाद में करेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो पहले वन, वन के साथ हम एक समय में दो नीड को लेके चल सकते हैं, लेकिन जैसे हम लोग मिडिल क्लास आदमी है, वो पहले वन के साथ टू, पहले वन फिर टू नहीं लेता है, वन और टू साथ में लेता है। लेकिन जो गरीब आदमी है वो पहले वन करता है फिर टू करता है, ठीक है? उसके बाद शायद ही कुछ लोग गरीब होते हैं तो थ्री पे पहुंच पाते हैं, अन्यथा हम लोग जो होते हैं वन और टू साथ में लेके चलते हैं और थ्री अकेला चलता है, हम थ्री अकेला चलता है और फिर अगर थ्री हो जाता है तब हम फोर पे चलते हैं।
थ्री और फोर अक्सर एक मिडिल क्लास आदमी कभी भी साथ में लेके नहीं चल सकता, और फाइव तक तो शायद मिडिल क्लास आदमी पहुंच ही नहीं सकता। ठीक है, आई होप आपको ये थ्योरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जामिनेशन में अगर ये थ्योरी आती है तो किस प्रकार से आती है। वहां पे पूछ लेंगे फिजियोलॉजिकल नीड्स कंप्राइजेस या पूछ लेंगे कि मास्लोव थ्योरी का फिजियोलॉजिकल नीड्स जो कि कंप्राइजेस अप ऑफ व्हाट, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड ऑफ लाइफ। फिर ये भी पूछ सकते हैं कि मास्लोव थ्योरी में से एक क्वेश्चन आ रहा है, खासतौर पर एमबीबीएस के पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, यही पूछ लेंगे कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को किसने दिया था, कर्ट लुविन ने दिया था, कॉइंड किसने करा था, ये टर्म जो है ये शब्द जो है ये कॉइंड किसने किया था, तो आप आंसर देंगे कर्ट लुविन ने किया था। कौन से ईयर में, 1970 में ही किया था, एब्राहम मास्लोव ने जब ये थ्योरी बनाई थी। ये क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे कि कौन सी ऐसी नीड होती है जो एक नॉर्मल इंसान फुलफिल नहीं कर पाता, तो आंसर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये टॉपिक आपका ऑप्शंस में भी आ सकता है, ये टॉपिक आपका पूरा लिखने के लिए भी आ सकता है, और ये टॉपिक का एक पिरामिड है जिसको हमें बहुत ध्यान में रखना है। अगर इस पिरामिड में हमने एरो नहीं लगाया या 1, 2, 3, 4 की सीक्वेंस या नंबरिंग नहीं दी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। फर्स्ट टू नीड्स आपकी बेसिक नीड्स है, प्राइमरी नीड्स है, और बाकी की जो नीड्स है वो आपकी सेकेंडरी नीड्स है। ठीक है, तो अब कोई और दिक्कत होगी तो डू लेट मी नो, एल्स अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन जो है आपके इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। थैंक यू।